शांति एक पिक्चर लें। ठीक है, लेकिन क्लिक तुम करना, मैं आगे खड़ूंगी ना तो मेरा पेट दिखेगा। ओहो, जब तुम इतनी कॉन्शियस हो तो फिटनेस रूटीन क्यों नहीं स्टार्ट करती? स्टार्ट करने का सोचती तो हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आता क्या वर्कआउट शुरू करूँ, क्या डाइट शुरू करूँ। टेंशन मत लो, मेरी ये वीडियो देखो, इससे तुम्हें एक एक चीज वर्कआउट से लेके डाइट तक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि तुम आज से तो क्या अभी से स्टार्ट कर सकोगी। फैट लॉस हम सबको करना है, लेकिन कैसे करें, कैसे शुरू करें, क्या वर्कआउट करें, क्या डाइट फॉलो करें, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस है जो हर एक दिन के अकॉर्डिंग है, और मैंने फोकस किया है कि आपका हर एक मसल भी ट्रेन हो, और एवरी वर्कआउट के बाद उसमें कार्डियो है, कार्डियो के बाद कुछ स्ट्रेचेस है जो आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो उस पर है टाइटल इट्स टाइम टू गेट सम कर्व्स, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कियों के लिए है, उसमें सिर्फ एक दिन जो है जो ग्लू डे है वो लड़कियों के ऊपर अप्लाई होता है, बाकी सब दिन जो वीडियोस में है आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं एक्सरसाइज में तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसके जो सेट्स हैं वो सिर्फ 2-2 रखिए और उसके रेप्स उतने ही लगाइए जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, कम से कम 1 महीने तक, उसके बाद आप बिल्कुल एज इट इज उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको ये ड्रिंक बनानी है। क्या है ये? जिंजर क्यूमिन टी। इसके अंदर आपको अपने वाटर रख के उसको बॉईल करना है, उसके अंदर जिंजर ग्रेट करनी है थोड़ी सी, और थोड़ा क्यूमिन डालना है। इसके साथ साथ 1 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालिए जब आप बॉइल्ड वाटर निकाल लेंगे उसके बाद, एंड उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालिए और फिर हनी डाल दीजिए। ये जो वॉर्म वाटर है इसको आपने ड्रिंक करना है, ये आपकी डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, आपकी जो क्यूमिन है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, आयरन है, उस चीज़ों को भी एड करेगा, हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन बनाए रखने के लिए, हेल्दी फैट्स बनाए रखने के लिए। तो ऑल इन ऑल ये ड्रिंक आपके लिए वंडर्स प्ले कर सकती है। ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स या फिर कीनोआ के साथ 1/2 स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 1 whole egg और 2 white eggs के साथ आप इस अपनी मील को कंप्लीट कर सकते हो। रीज़न, ये आपका जो है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों चीज़ें मिलती हैं, और ओट्स या कीनोआ में फाइबर भी मिल जाता है आपको, जो आपके डे को स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट मील होगी हमारी फ्रूट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके विटामिंस के लिए, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए और आपके फाइबर के लिए भी। तो ये मील आप इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। फ्रूट मील के साथ आप कुछ नट्स सोक करके भी ले सकते हैं और उसके अलावा कुछ सीड्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं उसका बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट मील है प्री लंच मील। इसके अंदर कुछ भी नहीं है खास, जस्ट एक बटर मिल्क। ये बटर मिल्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें मिलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे गट को बहुत हेल्दी रखता है, हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज डालता है जिससे हमारी डाइजेशन अच्छी बनी रहती है और हमारी ओवरऑल जो ब्लोटिंग, गैस, इन सब की प्रॉब्लम जो है वो भी आने से ये रोकेगा। अब हम बात करते हैं लंच मील की। लंच मील में हम फोकस करेंगे कि हमारे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, उसके साथ साथ कुछ सैलड भी ले लें। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है इंग्रेडिएंट्स की? वेजिटेरियन में आप ले सकते हैं सोया चंक्स प्लस राइस, उसके साथ साथ और ऑप्शन में पनीर प्लस चपाती ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन प्लस चपाती ले सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आप अपना जो पोर्शन साइज है वो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले, बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो। अगर आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पोर्शन साइज चाहिए तो
आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एक कस्टमाइज प्लान खरीद सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी की मेजरमेंट्स लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्कआउट और डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर आपका पोर्शन साइज भी मेंशन होगा, आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग आपकी मील टाइमिंग्स भी मेंशन होगी, और उसे आप हमारी ऐप में ट्रैक भी कर सकते हो अपनी खुद के उसमें इनपुट्स डालकर और अपनी प्रोग्रेस पंच इन करके। इवनिंग स्नैक मील, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मील जरूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली डिनर मील पर भी जा सकते हैं। इवनिंग मील में आप ले सकते हैं स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट्स बनते हैं जैसे ग्रीन दाल है, जब वो स्प्राउटेड हो जाती है, जब वो अंकुरित हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है। उसके साथ आप उसको स्टीम जरूर कीजिए। क्यों स्टीम कीजिए? क्योंकि जितना रॉ हम खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना प्रॉब्लम होता है, उसका बहुत ज़्यादा जोर लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। तो ऐसी चीज़ें आप स्टीम ज़रूर कीजिए खाने से पहले, और उसमें आप टोमेटो, अनियन और लेमन, ये सब चीज़ें डाल के उसको डिलिशियस तो बना ही सकते हैं। डिनर मील हो सके तो अर्ली से अर्ली पॉसिबल कीजिए, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एम्पल टाइम मिल सके उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मैं रेकमेंड करूँगी 7 PM या मैक्स टू मैक्स 8 PM आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो जो ऑप्शंस है वेजिटेरियंस के लिए, वो है दाल एंड राइस। दाल में कोशिश कीजिए आपकी जो पानी की क्वांटिटी है कम हो, दाल ज़्यादा हो, ताकि आपका प्रोटीन इनटेक अच्छे से जा सके। दूसरी जो चीज़ है 3 white eggs, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, 3 white eggs प्लस ओट्स, ताकि वो लाइट रहे आपके स्टमक पर। तीसरी चीज़ है आप ले सकते हैं फिश एंड राइस। अब मैं बिफोर बेड की बात करूं, अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 1/2 scoop ले सकते हैं सोने से पहले। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 1 scoop ले सकते हैं सोने से पहले। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, जितने भी पोर्शन साइजेस हैं, कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके स्टार्ट आपके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो कोशिश कीजिए वो पोर्शन साइज के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लीजिए। बट मैंने आपको यहाँ पर बेसिक इन्ग्रीडियंट्स बता दिए हैं, जिसको आप लेकर अपनी न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर सकते हो और अपने गोल्स को भी पूरा कर सकते हो, चाहे वो फैट लॉस है, मसल गेनिंग है या फिर टोनिंग है। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सके और मैं आपको वैल्यू देती रहूंगी, कंटिन्यू करती रहूंगी। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।